गया है डिफरेंशिएट द फॉलोइंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फ्रॉम द फर्स्ट प्रिंसिपल। फर्स्ट प्रिंसिपल के जरिए जैसे हमने 2.1 में किया था वैसे ही हमने इनको सॉल्व करना है। हमारे पास वाई इज इक्वल टू साइन 2x है, वाई इज इक्वल टू, वहाँ पर हम क्या करते थे वाई में चेंज कर देते थे थोड़ा सा, तो हमारे पास वाई प्लस डेल वाई आ जाता था और एक्स की जगह पे एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाता था। तो हमारे पास ये टर्म जो है हमारे पास साइन 2x, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे 2x और 2 डेल्टा एक्स के इक्वल हो जाएगी। नेक्स्ट हमने क्या करना है, वाई को दूसरी साइड पे लेके जाके उसकी वैल्यू पुट कर दी। डेल्टा वाई हमारे पास हो गया साइन इंटू 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स माइनस साइन 2x। अब यहाँ पे हमने फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 10 में हमने फार्मूले पढ़े हैं, वहाँ पे है साइन इनवर्स माइनस साइन बीटा, साइन अल्फा माइनस साइन बीटा इज इक्वल टू 2 कॉस अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय 2 और साइन अल्फा माइनस बीटा डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, वही चीज़ हमने क्या कर देनी है, यहाँ पे अप्लाई कर देनी है। ये वही चीज़ हमने अप्लाई की, तो हमारे पास अल्फा की जगह पे है 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स और बीटा की जगह पे हमारे पास है 2x। तो हमने क्या करना है, 2 लिख लिया और कॉस की जगह पे कॉस और अल्फा की जगह पे हमारे पास 2x प्लस 2 डेल्टा एक्स है, तो हमने वही लिख दिया। और बीटा की जगह पे हमारे पास है 2x, तो हमने 2x लिख दिया डिवाइडेड बाय 2। फिर हमारे पास था साइन, साइन लिख दिया, अल्फा, अल्फा की वैल्यू हमने लिख दी और बीटा 2x है तो 2x डिवाइडेड बाय 2 लिख दिया। तो उसके बाद हमने क्या किया है, 2x को 2x से कैंसिल कर दिया। 2x को 2x से कैंसिल करने के बाद यहाँ पे 2x 2x में प्लस हो रहा था, 4x लिख दिया प्लस 2x डिवाइडेड बाय 2 आ गया और इधर साइन 2 डेल्टा x डिवाइडेड बाय 2। 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। 2 से 2 कैंसिल होने के बाद हमने क्या करना है, यहाँ से 2 कॉमन लेके वो इस 2 से कैंसिल कर देना है। तो यहाँ से हमने क्या किया, डिवाइड बोथ साइड डेल्टा एक्स पे हमने क्या कर दिया, दोनों साइडों पे डिवाइड कर देना है और लिमिट भी अप्रोच करवा देनी है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो। तो हमारे पास लिमिट डेल्टा डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो 2 कॉस 2 एक्स प्लस डेल्टा एक्स साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स हो जाएगा। तो हमने क्या करना है, यहाँ पे लिमिट अलग अलग से अप्लाई कर देनी। लिमिट हमने अलग अलग से अप्लाई की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म हमारी जो होती है फर्स्ट डेरिवेटिव के इक्वल होती है, तो हमारे पास 2 लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कॉस 2x प्लस डेल्टा एक्स और लिमिट डेल्टा एक्स हमारे पास साइन डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय डेल्टा एक्स। ये टर्म हमारे पास हमने पढ़ा हुआ है कि लिमिट थीटा अप्रोचेस टू 0 साइन थीटा ओवर थीटा हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल। तो ये टर्म हमारी किसके इक्वल हो जाएगी, 1 के इक्वल हो जाएगी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, डेल्टा एक्स की वैल्यू पुट कर देंगे, तो डेल्टा एक्स की वैल्यू हमने पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2 कॉस 2x प्लस 0 डॉट 1, 1 जो है ये इसकी वैल्यू आ गई। और अब क्या करेंगे, हमारे पास एंगल में क्या बच जाएगा, कॉस 2x बच जाएगा, तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई, 2 कॉस 2x हमारे पास इसकी वैल्यू आ गई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं, टेन 3x दिया गया है, लेट कर लेंगे, ये y के इक्वल है, y के इक्वल हमने लेट कर लिया। फिर उसी तरह से हम क्या करेंगे, फर्स्ट प्रिंसिपल से करना है तो इसीलिए क्या करेंगे, y में थोड़ी सी चेंज करेंगे और x में भी थोड़ी सी चेंज करेंगे, वो हमने की। तो उसके बाद y को दूसरी साइड पे लेके जाके उसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो अब हमारे पास फिर वही जो सेकंड क्या करेंगे, टेन टेन हमें पता है साइन ओवर कॉस के इक्वल होता है, हमने क्या किया, साइन ओवर कॉस में इसको तब्दील कर लिया, दोनों टर्म में हम करेंगे। फिर इनका क्या ले लेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम लिया हमने तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे, हमारे पास कॉस 3x बच जाएगा, कॉस 3x को इससे मल्टीप्लाई करके हमने लिख दिया, माइनस कॉस 3x को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये टर्म आ गई। इस टर्म को हमने क्या किया, साइन 3x से मल्टीप्लाई करके लिख दिया। फिर हमने चैप्टर नंबर 10 में हमने फिर वही फार्मूले पढ़े हुए, साइन अल्फा माइनस बीटा, साइन अल्फा कॉस बीटा माइनस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो ये ऊपर वाली टर्म में हम क्या करेंगे, यही फार्मूला अप्लाई करेंगे, ये फार्मूला अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस 3x। हमारे पास यहाँ पे फार्मूला है अल्फा, अल्फा की जगह पे 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स है, तो हमने 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स माइनस ये और 3x बीटा वाली जगह पे हमने जो था वो लिख दिया, माइनस 3x से प्लस 3x कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आंसर आ जाएगा, डिनोमिनेटर हमारे पास वैसे का वैसे कॉस 3x प्लस 3 डेल्टा एक्स और कॉस 3x। तो हमने क्या करना है, अब डिवाइडिंग बोथ साइड डेल्टा एक्स से डिवाइड करके लिमिट हमने डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो बोथ साइड कर लेनी है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल्टा बाय ओवर डेल्टा एक्स इज इक्वल टू लिमिट डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अप्रोचेस टू जीरो और डेल्टा साइन 3 डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय
डेल्टा एक्स, तो 1 ओवर डेल्टा एक्स आ गया, ये हमारे पास नहीं आएगा यहाँ पे, कॉस 3x+3 डेल्टा एक्स कॉस 3x आ जाएगा, ये टर्म हमने यहाँ पे लिख लिया, ये गलती से यहाँ पे आ गई है। तो नेक्स्ट हमारे पास क्या होगा कि ये मैंने रेज कर दिया यहाँ से, तो वो चीज़ हमारे पास जो होती है डी वाई और डी एक्स के इक्वल होगी, तो हमने क्या कर दिया इधर अलग से कर लिया इसको, और लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच टू 0 1 ओवर cos 3x+3 डेल्टा एक्स cos 3x। अब क्या करेंगे इसको, इसके एंगल को पूरा करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई भी कर देंगे और डिवाइड भी कर देंगे, और यहाँ पे लिमिट अप्रोच करवा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास 0 आ जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई भी करवा दिया, डिवाइड भी करवा दिया, ये टर्म हमारे पास अब किसके इक्वल हो गया, 1 के, 3 × 1 आ जाएगा, और उधर हमने लिमिट अप्रोच करवा दी तो हमारे पास यहाँ पे 0 आ जाएगा, बाकी cos 3x और cos x आ जाएगा। तो cos 3x से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसका स्केयर बन जाएगा, तो 3 1 / cos 3x cos 3x, तो इसका स्केयर बन जाएगा, और स्केयर ऊपर आके हमारे पास सीकेंट स्केयर 3x के इक्वल आ जाएगा। तो dy/dx हमारे पास क्या आ गया, 3 secant² 3x के इक्वल आ गया। नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास cos x², तो हमने उसी तरह सेलेक्ट कर लिया कि ये y के इक्वल है, y के इक्वल हमने सेलेक्ट कर लिया, तो हमने क्या करना है, सम चेंजेस कर देनी है इसमें, y को हमने y+ delta y और x को हमने डेल्टा x जो है वो पुट कर देना है, और उसके बाद हमने क्या करना है कि इसको y को दूसरी साइड पे ले जाएंगे, y को दूसरी साइड पे लेके गए तो हमने क्या करनी है, उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू पुट कर दी हमने तो हमारे पास फिर आइडेंटिटी होती है वही 10th चैप्टर में फर्स्ट ईयर, cos x - cos β = -2 sin α + β / 2 sin α - β/2। तो हमारे पास अल्फा यहाँ पे है x+ delta x होल का स्केयर और बीटा हमारे पास क्या है x² तो हमने क्या कर दिया अल्फा की जगह पे अल्फा x+ delta x का स्केयर लिख दिया और बीटा की जगह पे एक्स का स्केयर लिख दिया, फिर अल्फा की जगह पे सेम वही काम किया और बीटा की जगह पे भी हमने वही काम किया, ये माइनस फार्मूले वाला आ गया 2 और sin sin दोनों पे दोनों जगह पे आ जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या होता है, ये साइन हम क्या करें, स्केयर जो है वो क्या करेंगे, ओपन करेंगे, स्केयर हमने ओपन किया तो हमारे पास x² + 2x delta x + delta x² + x² / 2 आ गया, और सिमिलरली यहाँ पे भी यही आ जाएगा, तो x² से x² क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा हमारा, तो हमारे पास क्या चीज बच जाएगी इधर, -2 sin 2x² + 2x delta x delta x² / 2 sin 2x + delta x / 2 delta x आ गया हमारे पास। तो अब हम क्या करेंगे के -2x आ गया हमारे पास, यहाँ से 2 कॉमन लिया, 2 से 2 क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास -2 sin x² + x delta x² / x sin 2, ये टर्म सारी वैसे की वैसे आ जाएगी। अब हम क्या करेंगे, बहुत साइड दोनों साइडों पे हम क्या कर देंगे, डेल्टा एक्स से डिवाइड करके लिमिट जो है डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 कर लेंगे, 0 कर वो करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 डेल्टा वाई ओवर डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू 0 -2 sin x² + x² + x² / 2 sin x + delta x / 2 delta x। तो अब क्या करना है, हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड भी कर देना है x + delta x / 2 से, क्योंकि हमने इस पर वो आइडेंटिटी मुकम्मल करनी है कि हम हमारे पास 1 के इक्वल आ जाए। हमने क्या किया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया, इसी टर्म से हमने x + delta x / 2 और x + delta x / 2 से हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी कर दिया हमारे पास। तो हमारे पास अब क्या है, लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच 0, जहां पे हमारे पास डेल्टा एक्स है हमने क्या करना है, वो लिमिट अप्रोच करवा देनी है 0 को, तो बाकी हमारे पास क्या टर्म बच जाएगी, -2 sin x² ये आ जाएगा, बाकी तमाम टर्म ये 0 के इक्वल हो जाएंगी, मल्टीप्लाई लिमिट डेल्टा एक्स, ये सारी की सारी टर्म हमारे पास किसके इक्वल हो जाएगी, ये सारी की सारी टर्म हमारे पास 1 के इक्वल हो जाएगी। तो मल्टीप्लाई हमने क्या करना है, यहाँ पे डेल्टा एक्स अप्रोच करवाया तो 0 आ गया, तो x+0 हमारे पास x ये और इसकी वैल्यू 0 ये आ गई। तो अब हमने क्या करना है, x को मल्टीप्लाई कर देना है इससे, तो -2 sin x² / x, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, -2x sin x² हमारे पास आंसर आ जाएगा। 6th पार्ट करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का हमारे पास है tan x² √ में है, तो हमने लेट कर लिया ये y के इक्वल है, y के इक्वल लेट करने के बाद हमने क्या करना है, इसमें चेंज कर देनी है y में भी और x में भी, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, y + delta y और
एक्स की जगह पे क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स आ जाएगा। तो वाई को हम दूसरी साइड पे लेके जाएंगे, वाई को जब दूसरी साइड पे लेके गए तो हमारे पास क्या बन जाएगा, स्केयर रूट टेन टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस स्केयर रूट टेन एक्स आ जाएगा। तो इसको हम सिंपलीफाई करेंगे, इसके साइन चेंज करके मल्टीप्लाई भी करवा देंगे और डिवाइड भी करवा देंगे। फिर इसको मल्टीप्लाई किया, ये अल्फा माइनस बीटा और अल्फा प्लस बीटा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा स्केयर प्लस बीटा स्केयर आ जाएगा ये। तो उसी तरीके से हमने किया कि फिर स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल दोनों के करेंगे तो हमारे पास डिनोमिनेटर में ये टर्म आ गई। तो जब स्केयर रूट कैंसिल किया तो हमारे पास टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस टेन एक्स डिवाइडेड बाई टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स स्केयर रूट प्लस स्केयर रूट टेन एक्स। तो उसके बाद हमने क्या किया, टेन को हमने चेंज कर लिया है, ऊपर वाले टेन को हमने नोमिनेटर वाले टेन को हमने चेंज कर लिया है साइन ओवर कॉस में। तो इसका फिर हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद हमने क्या किया, इनको एलसीएम लिया तो हमारे पास क्या टर्म आ जाएगी, इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो कॉस एक्स बच जाएगा, कॉस एक्स को इससे मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो हमारे पास साइन एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉस एक्स आ जाएगा, माइनस कॉस को इस पर डिवाइड करेंगे, ये कॉस एक्स को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कॉस एक्स प्लस डेल्टा एक्स हमारे पास बच जाएगा। तो इसको साइन से मल्टीप्लाई करके हमने यहाँ पे लिख दिया है। तो फिर हमारे पास डिनोमिनेटर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, तो हमारे पास ये ऊपर वाली आइडेंटिटी साइन अल्फा माइनस बीटा, वही पहले जो हमने फार्मूला लगाया था वही इधर लगाएंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन अल्फा की जगह पे वो आ गया, माइनस बीटा की जगह पे एक्स है तो एक्स आ गया, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, तो हमारे पास डिनोमिनेटर जो है वो हमारा क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर हमारा कैंसिल हो जाएगा, डिनोमिनेटर सेम का वैसे ही आ जाएगा हमारे पास। तो फिर हम क्या करेंगे इसको, फिर हमने क्या किया, डिवाइडिंग बोथ साइड बाय डेल्टा एक्स ओवर हमने क्या कर दिया, लिमिट अप्रोच करवा दी, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो, डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो हमने करवा दी, तो हमारे पास इधर लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो डेल बाय डेल्टा एक्स लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो साइन डेल्टा एक्स डिवाइड बाय डेल्टा एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट हमने अप्रोच करवा दी डेल्टा एक्स वन ओवर कॉज एक्स प्लस डेल्टा एक्स कॉज एक्स मल्टीप्लाई बाय लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोचेस टू जीरो और वन डिवाइडेड बाय स्केयर रूट टेन एक्स प्लस डेल्टा एक्स प्लस स्केयर रूट टेन एक्स आ जाएगा। तो हमने क्या करना है, लिमिट यहाँ पे है, यहाँ पे भी जीरो पुट कर देंगे, यहाँ पे भी जीरो पुट कर देंगे और ये हमारे पास ये टर्म जो है ये इक्वल हो जाएगी वन के इक्वल हो जाएगी। तो ये टर्म वन के इक्वल होगी, यहाँ पे हमारे पास वन ओवर कोज एक्स बच गया ये टर्म क्योंकि जीरो हो गई है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या बचा है, ये हमारे पास वन ओवर टेन एक्स स्केयर रूट में और यहाँ भी टेन एक्स स्केयर रूट में, तो ये दोनों का भी स्केयर हो जाएगा, टेन एक्स स्केयर रूट में है तो स्केयर रूट का स्केयर ये प्लस में है तो इसमें क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे, टू टेन एक्स आ जाएगा स्केयर रूट में, तो हमारे पास ये टेन सीकेंड जो साइन जो कॉस जो है ऊपर जाके क्या बन जाएगा, सीकेंड स्केयर एक्स बन जाएगा। तो हमारे पास डेरिवेटिव क्या आ गया इसका, वन ओवर टू स्केयर रूट टेन एक्स और सीकेंड स्केयर हमारे पास इसका आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट पार्ट देखते हैं, लास्ट पार्ट हमारे पास है कॉस के रूट एक्स है हमारे पास फाइंड द डेरिवेटिव, डेरिवेटिव हमने फाइंड करना है, इसी तरह से हमने लेट कर लिया वाई के इक्वल, वाई में भी चेंज करेंगे और एक्स में भी चेंज कर देंगे, तो हमारे पास वाई प्लस डेल्टा वाई कॉस स्केयर रूट में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस डेल्टा एक्स डेल्टा वाई हमारे पास क्या आ गया, कॉस एक्स स्केयर रूट में एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस कॉस स्केयर रूट एक्स आ जाएगा। तो फिर हमने वही फार्मूला लगाएंगे हमारे पास कोस में माइनस है तो हमारे पास माइनस टू साइन अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय टू साइन अल्फा माइनस बीटा बाय टू, वही फार्मूला हमने लगा दिया। तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइडों पे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे डेल्टा एक्स पे और लिमिट भी अप्रोच करवा देंगे। हमने क्या कर दिया, दोनों साइड पर डेल्टा एक्स पे डिवाइड भी करवा दिया और लिमिट भी अप्रोच करवा दी जीरो को, लिमिट अप्रोच करवाई तो हमारे पास डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो डेल्टा एक्स डिवाइडेड बाय एक्स इज इक्वल टू माइनस टू लिमिट डेल्टा एक्स अप्रोच जीरो हमारे पास डेल्टा एक्स, डेल्टा एक्स को अगर हम इस इक्वेशन के इक्वल भी लिख सकते हैं तो लिख सकते हैं, टू क्योंकि टू को टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फोर आ जाएगा, फोर को फोर से कैंसिल कर दें, फिर हमारे पास क्या बच जाएगा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, ए का स्केयर और बी का स्केयर आ जाएगा हमारे पास, ए का स्केयर हुआ तो हमारे पास एक्स प्लस डेल्टा एक्स और बच जाएगा और एक्स का स्केयर किया तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स का स्केयर है तो स्केयर से स्केयर रूट कैंसिल एक्स बच जाएगा, यानी कि हमारे पास एक्स
प्लस डेल्टा एक्स माइनस एक्स, तो हमारे पास एक्स से एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास डेल्टा एक्स बच जाएगा। तो इसलिए हम डेल्टा एक्स के इक्वल इस सारी टर्म को हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करनी है, ये सारी टर्म क्या कर देनी है, पुट कर देनी है। यहाँ पे हमने ये टर्म सारी पुट की तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये टर्म हमने इसके डिनोमिनेटर में ले जानी है और ये टर्म हमने इसके डिनोमिनेटर में ले जानी है, क्योंकि हमने ये वाला फार्मूला जो है पुट पूरा करना है। तो ये पूरा करने के लिए हमने क्या किया है, इसको इस पे डिवाइड कर दिया, तो हम इसको भी इस पे डिवाइड कर दिया। ये सारी टर्म हमारे पास क्या आ जाएगी, जीरो वन के इक्वल आ जाएगी इस आइडेंटिटी को इस्तेमाल करते हुए। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, लिमिट अप्रोच करवा देंगे, यहाँ पे भी जीरो और यहाँ पे भी जीरो। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन स्केयर रूट में क्या आ जाएगा, एक्स प्लस जीरो प्लस स्केयर रूट एक्स डिवाइडेड बाय टू डिवाइडेड बाय स्केयर रूट एक्स प्लस जीरो और प्लस क्या आ जाएगा, स्केयर रूट में एक्स डिवाइडेड बाय टू आ जाएगा। तो ये हमारे पास टर्म जो है वन के इक्वल होगी, ये हमने क्या कर दिया, वन के इक्वल लिख दिया। तो उसके बाद हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर टू साइन, हमारे पास यहाँ पे स्केयर रूट में एक्स है, स्केयर रूट में एक्स है, तो हमारे पास टू स्केयर रूट एक्स हो जाएगा, टू से टू कैंसिल हो जाएगा, ये भी टू से टू कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस वन ओवर टू स्केयर रूट एक्स साइन स्केयर रूट एक्स, हमारे पास इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा।